प्रॉपर्टी डीलर की ट्रेलर से कुचलने से हुई मौत। शहर में सुबह सुबह हुई इस घटना से नाराज गुस्साए व्यापारियों ने बाजार बंद करवाए, पुलिस के जवान रहे तैनात। आज सुबह घर से मॉर्निंग वॉक पर निकले भदादा बाग में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर सुशील गगरानी को गोलप्याव चौराहे पर पीछे से आ रही एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर काफी भीड़ भी इकट्ठा हुई। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन, बाजार के व्यापारी और माहेश्वरी समाज के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। उन्होंने मोर्चरी के बाहर मुआवजे की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। उधर दूसरी ओर आक्रोशित लोगों ने शहर के प्रमुख बाजारों में दुकानें बंद करवा दी। घटना की जानकारी मिलते ही भीलवाड़ा शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, पुलिस उप अधीक्षक शहर नरेंद्र दायमा, उप अधीक्षक सदर रामचंद्र कोतवाली, थाना प्रभारी सुरेश चौधरी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। आक्रोशित लोगों से हुई वार्ता के बाद उनकी मांगों पर सहमति बनी और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। फिलहाल शहर में शांति है, फिर भी पुलिस का जाप्ता जगह जगह तैनात नजर आया है। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। शहर में सुबह सुबह जिस तरह दर्दनाक हादसा हुआ और टोले ने जो है उसमें घूमने जाता है, सुशील गगरानी जो 50 साल की उम्र के हैं और उसको कुचल दिया। हमने प्रशासन से मांग की है कि भाई ये जो हेवी व्हीकल है नो एंट्री एरिया में रात को 11 से 5 तक ही आवे, उसके बाद आदमी घूमने निकल जाता है सुबह सुबह तो अंधेरा भी रहता है और इनको ध्यान नहीं रहता, इसलिए ऐसी घटना घटी और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और जैसे साथी को हमने खो दिया कि उसका किसी भी रूप से हम भरपाई नहीं कर सकते हैं और प्रशासन से हमने मांग की है और जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से इसके परिवार को अच्छी यहाँ से रिकमेंड जाएगी और सरकार में जो भी नियम से इस नौकरी मिल सके इसी यहाँ से एक कलेक्टर साहब के यहाँ से रिकमेंड ऊपर भेजेंगे। और ऐसी घटनाएँ शहर में वापस नहीं घटे इसलिए प्रशासन ने भी आश्वासन दिया कि ये नो एंट्री का समय जो है हम 11 से 5 कर देंगे इसमें। और जिस तरह का आज का वाक्य है और जिस तरह उस एक्सीडेंट हुआ है, एक हम सोच से परे है कि गोलपुर चौराहे पर जो है इससे घटना घट गया, एक आदमी के जो 2 टुकड़े हो सकते हैं। तो ये भगवान से प्रार्थना है कि हमारे तो भाई जो हानि हो गई उसका भरपाई किसी भी कीमत पर संभव नहीं है और हो भी नहीं सकती, लेकिन परिवारजनों ने सब साथियों ने सहयोग करके प्रशासन की बात मानी और इसे पोस्टमार्टम हो गया है और शाम को 10 से 7। आज सुबह 7:30 बजे गोलप्याऊ चौराया है, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ। ट्रोले ने पैदल घूम रहे व्यक्ति के ऊपर टक्कर मार दी, जिससे वो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और उनको MGH हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस घटना के बारे में जब जानकारी मिली तो हमने चेक करवाया कि जो हैवी वाहनों की जो शहर में एंट्री है उसका समय है 2013 का एक सर्कुलर है, उसके अनुसार सुबह 8:30 बजे तक एंट्री है। तो इस संबंध में हमने जिला प्रशासन को और सीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत करा दिया गया है, इसमें शीघ्र ही सुधार किया जाएगा और कलेक्टर साहब के समक्ष कार्रवाई की जाएगी और जो एंट्री है हैवी वाहनों की शहर में उसको एक निर्धारित जो समय है उसमें परिवर्तन किया जाएगा। दूसरा ये है कि इस मांग को लेकर के परिजन है मुर्दा घर के ऊपर एकत्र हुए थे, जिनको आश्वस्त कर दिया गया है जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ है उसको जब्त करके कोतवाली थाने में खड़ा करवा लिया गया है और प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और अनुसंधान जारी है। जिस अनुसंधान में आगे आवश्यकता होगी और वैसा ही हालात फिर निवेदन कर दिए जाएंगे। व्यापारियों के द्वारा जो मुआवजे की मांग की जा रही है उसमें क्या किया? व्यापारियों के द्वारा जो मुआवजे की मांग की जा रही है उसके संबंध में SDM साहब और ADM साहब है, स्वयं व्यापारियों के जो शिष्टमंडल है उनसे वार्ता की गई है और सरकारी योजनाओं में इनको जो भी बेनिफिट हो सकता है वो हर संभव मदद, साथ में ही एक प्रपोजल इनकी परिजन की नौकरी के संबंध में एक प्रपोजल तैयार किया जा करके और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी पहुंचाने की बात तय हुई है।